नमस्कार, मैं प्रिया। आज 4 अगस्त, चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 59,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली गई जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को 2,297 नए मामलों की पुष्टि की गई है। अगर प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 24, अरवल में 10, औरंगाबाद में 46, बांका में 45, बेगूसराय में 130, भागलपुर में 44, भोजपुर में 84, बक्सर में 49, दरभंगा में 46, पूर्वी चंपारण में 96, गया में 91, गोपालगंज में 27, जमुई में 21, जहानाबाद में 17, कैमूर में 17, कटिहार में 137, खगड़िया में 51, किशनगंज में 9, लखीसराय में 26, मधुबनी में 95, मुंगेर में 10, मुजफ्फरपुर में 82, नालंदा में 84, नवादा में 22, पटना में 293, पूर्णिया में 72, रोहतास में 68, सहरसा में 90, समस्तीपुर में 46, सारण में 72, शेखपुरा में 30, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 69, सिवान में 57, सुपौल में 57, वैशाली में 115, पश्चिम चंपारण में 37। बिहार में कोविड-19 की वजह से अब तक 38,508 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 336 लोगों की जान जा चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार आए आमने सामने। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। अब बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईपीएस विनय तिवारी के साथ जो हुआ उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दे दी है और खुद भी वहां बात कर रहे हैं। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, यह पॉलिटिकल बात नहीं है, यह सीधी कानूनी जिम्मेवारी है। बिहार पुलिस की तरफ से उस जिम्मेवारी को हम निभा रहे हैं और उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। 85 साल बाद कोसी वासियों को मिली ट्रेन की सुविधा। बिहार के सुपौल में कोसी नदी रेल महासेतु और ट्रेन का परिचालन करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन कोसी नदी रेल महासेतु पर ट्रेन का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हुआ है, जिसके बाद तकरीबन 25 साल बाद कोसी इलाके में ट्रेन की सीटी लोगों ने सुनी है। मध्य पूर्व रेलवे के सरायगढ़ स्टेशन के कोसी रेल पुल से होकर आसनपुर के बीच नई रेल लाइन पर रेल अधिकारी के निगरानी में ट्रेन का कई बार ट्रायल किया गया था। ट्रायल को लेकर बीते दिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आम लोगों को पटरी पर और रेल महासेतु से दूर रहने के लिए माइकिंग और पोस्टर चिपका कर अपील की गई थी। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी वाटिका में पेड़ को बांधी ही राखी। बीते दिन रक्षाबंधन के मौके पर राजधानी वाटिका में पेड़ों को राखी बांधकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वृक्ष और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दोहराया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन वाटिका में पौधारोपण भी किया, साथ ही सभी लोगों से वृक्षों की रक्षा करने के लिए अपील भी की है। इस मौके पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, कोविड-19 के इस माहौल को देखते हुए किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। भागलपुर में सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी का हुआ शिलान्यास। भागलपुर के सुल्तानगंज में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि के रूप में फिल्म सिटी को उनके नाम पर रखा गया है। उनके सम्मान में बीते दिन सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म सिटी के पूर्व सांसद से भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार और पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने शिलान्यास किया है। इस फिल्म सिटी के शिलान्यास के दौरान पूर्व सांसद ने कहा है कि पूरे भारत का पहला फिल्म सिटी है जो बिहार के सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जाना जाएगा, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में कोविड-19 के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमितों की संख्या और जान गंवाने वालों के आंकड़े में भी लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कोविड-19 से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार की चिंताएं भी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। मॉनसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश में गृहमंत्री अमित शाह तक कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। संक्रमण कब किसे अपनी चपेट में ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि राज्य के अंदर टेस्टिंग को बढ़ा दी गई है, जल्द ही 50,000 टेस्टिंग हर दिन करने का संकल्प लिया गया है। कोविड-19 और बाढ़ से निपटने के लिए बिहार में बनाई गई सर्वदलीय समिति। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में तेजस्वी यादव के सरकार पर लगाए जा रहे तंज के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब उनके हर तंज का जवाब दिया है, जिसके तहत उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव सजग है, इसलिए मिलकर काम किया जाएगा, यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। वही उन्होंने 15 दिन के अंदर कमेटी के गठन की मांग की है, जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़कर राय विचार करके उस अनुसार काम किए जाने की प्रक्रिया को आसानी से शुरू किया जाएगा। यात्रियों के लिए पटना एयरपोर्ट पर बनाया गया वेटिंग हॉल। बिहार में लॉकडाउन के बावजूद घरेलू विमानों का परिचालन लगातार जारी है। वहीं पटना एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए हर दिन 24 जोड़ी विमानों का परिचालन किया जा रहा है। आपको बता दें, कोविड-19 के इस माहौल में पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा एयरपोर्ट पर आने वाली यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल बनाकर कुर्सियां लगा दी गई है। वहीं वेटिंग हॉल में बनाए जाने के बाद यात्रियों ने इसे लाभप्रद बताया है।
आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता सिंह की। श्वेता सिंह वर्तमान समय में आज तक की टीवी चैनल के एंकर के तौर पर काम कर रही है, वहीं आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है। अपने बेबाक अंदाज से बड़े बड़े नेताओं को चुप कराने वाली श्वेता सिंह का जन्म बिहार पटना में हुआ था। उन्होंने पटना वुमेन्स कॉलेज से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी, जिसके बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ पटना, बिहार समेत कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ काम किया था। उन्होंने जी न्यूज और सहारा के लिए भी काम किया। वहीं 2002 में वो आज तक को उन्होंने ज्वाइन किया था। 2002 के बाद वो लगातार आज तक के साथ बनी हुई है। इतना ही नहीं, श्वेता सिंह ने कई फिल्मों में भी अपनी एक झलक दिखाई है, जिसमें चक दे इंडिया और चक्रव्यूह जैसे फिल्मों में उन्होंने आज तक का न्यूज प्रेजेंटेशन की भूमिका निभाई है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की मौजूदगी में आईपीएस विनय तिवारी को लेकर हुई मीटिंग। पटना के सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी के साथ मुंबई बीएमसी के अधिकारियों के व्यवहार को देखते हुए बिहार पुलिस में नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। वहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अध्यक्षता में आयोजित करवाई गई इस बैठक में उन्होंने बीएमसी के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीएमसी के अधिकारियों ने बहुत गलत किया है। आईपीएस विनय तिवारी कोई चुपचाप मुंबई नहीं गए थे। सिटी एसपी सेंट्रल के जाने की सूचना पटना ने एसएसपी से खुद ऑफिशियल तौर पर मुंबई पुलिस को दे दी थी। गाड़ियां मुहैया कराने को कहा गया था। इसके बाद भी मुंबई पुलिस की इस हरकत को देखकर आश्चर्य हो रहा है। विधानसभा चुनाव में कोविड 19 को लेकर आमने सामने आए तेजस्वी यादव और मंगल पांडे। हर साल बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी है। विधानसभा का मॉनसून सत्र बीते दिन आयोजित करवाया गया था। वहीं विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एक दूसरे के आमने सामने दिखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री पीपीई किट पहनकर मरीजों का हाल देखने जा रहे। हालांकि तेजस्वी यादव की यह मंगल पांडे को रास नहीं आए, जिसके बाद मंगल पांडे ने उनसे पूछा कि अब वो अस्पताल क्यों नहीं गए हैं, जिसके बाद इन दोनों ही नेताओं में बड़ी बहस देखने को मिली। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर खेसारी लाल यादव ने लिखा एक इमोशनल पोस्ट। खेसारी लाल यादव ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसके बाद उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगा है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए जी जान लगा दे। खेसारी लाल यादव ने सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बहन के साथ की तस्वीर को शेयर किया था। इस तस्वीर के साथ खेसारी लाल यादव ने लिखा कि रक्षाबंधन पर भाई अपने बहन को कुछ देता है तो वो बहन के मान सम्मान के लिए भाई कुछ भी करता है। इस रक्षाबंधन हम भाई सुशांत की बहन से वादा करें कि सुशांत को न्याय दिलाने में हम जी जान लगा देंगे। बहन, पूरा देश आपके साथ है। भाई की कमी आज आपसे ज्यादा कौन मिस कर सकता है। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार बिहार पुलिस के जांच के बीच में आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भागलपुर सदर अस्पताल में चिकित्सा उपकरण का किया शुभारंभ। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भागलपुर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर एवं अन्य चिकित्सा उपकरणों का शुभारंभ किया है, जहां पर उन्होंने शुभारंभ के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ताले बजाकर सदर अस्पताल में वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों के शुभारंभ का स्वागत किया है। साथ ही इस पहल से कोविड 19 के माहौल में मदद मिलने की उम्मीद जताई है। लालू यादव को निदेशक आवास में शिफ्ट करने की शुरू हुई तैयारी। रांची के रिम्स में लगातार कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए लालू यादव की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब उनके शिफ्टिंग का काम तेज किया जा रहा है। शिफ्टिंग के लिए 3 दिन प्रशासन ने उन्हें अपनी प्रक्रिया में गति ला दी है। पिछले 3 दिनों में यह कयास लगाए जा रहे थे कि लालू यादव को जल्द से जल्द निदेशक आवास में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आईजी की अनुमति नहीं मिलने की वजह से मामला टलता जा रहा था, जिसके बाद रिम्स प्रबंधन की तरफ से बार बार सूचित किए जाने के बावजूद जेल प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। लेकिन 3 दिन बाद प्रशासन अचानक तेजी से अपने काम में जुट गया है, जिसके तहत हाल ही में हामिद अख्तर ने रिम्स अधीक्षक विवेक कश्यप से मुलाकात की है और इसका आदेश जारी किया है। 16वें विधानसभा के अंतिम सत्र के दौरान भावुक दिखे अध्यक्ष। बिहार में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बीते दिन 16वें विधानसभा के आखिरी सत्र के अंतिम दिन समापन करते हुए संसदीय प्रणाली को कायम रखने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर कहा है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं हो या जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचे। फिर भी यदि आसन की ओर से कोई ऐसा कर्तव्य या वक्तव्य हुआ हो जो उचित नहीं लगा हो तो मैं अपनी ओर से भावना व्यक्त करता हूँ, आप सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि आप सब ने बखूबी अपने दायित्व का निर्वहन किया है। आप सबको आसन की तरफ से शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में एक बार फिर टूटे बांध। मुजफ्फरपुर दरभंगा को छोड़कर उत्तर बिहार के बाकी जिलों में बाढ़ की स्थिति स्थिर नजर आ रही है। पश्चिम चंपारण मधुबनी में बाढ़ का असर कम होने लगा है, जबकि मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बाढ़ की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन मुजफ्फरपुर के मुरौल में तिरहुट नहर का बांध दूसरी जगह टूटने से बाढ़ का पानी नए इलाकों में फैल गया है। वहीं दरभंगा के केवटी में भी महाराज जी बांध तीसरी बार टूटने के बाद बाढ़ ने सभी लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, जिसकी वजह से सैकड़ों नए घर अब बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
बिहार में रिकवरी रेट में हुई बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 के नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार संक्रमितों का आंकड़ा 59,567 पर पहुंच गया है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने बीते दिन की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में बीते दिन पिछले 24 घंटे में कोविड 19 से 1871 लोगों के रिकवर्ड होने की बात भी कही है। वहीं बिहार में अब 20,722 सक्रिय मामले हैं। हालांकि टेस्टिंग की संख्या में लगातार सरकार बढ़ोतरी कर रही है। बीते दिन पिछले 24 घंटे में तकरीबन 36,524 सैंपल की जाँच की गई है। पिछले 4 महीने में बिहार सरकार ने 4,989 करोड़ का लिया कर्ज। कोविड 19 के इस माहौल में बिहार के राजस्व में 3,754 करोड़ की क्षति हुई है। वहीं 4 महीने के अंदर राज्य सरकार को 4,989 करोड़ रुपए कर्ज लेने पड़े हैं। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। वहीं बीते दिन प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी 22,777.32 करोड़ को सदन में उपस्थित करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अप्रैल में बिहार सरकार ने कोरोना का मुकाबला करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के मूल वेतन के समतुल्य प्रोत्साहन भत्ता देने का निर्णय लिया है, जिसकी संविदा कर्मियों को भी शामिल किया गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आए दिन कोविड 19 के बढ़ते प्रभाव और बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए निशाने पर लेते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बाढ़ और कोविड 19 में कन्फ्यूज हो गए हैं। हम सबको पता है कि कोविड 19 और बाढ़ कितनी ज्यादा परेशानी उत्पन्न कर रहा है। हम सभी जनप्रतिनिधियों को मिलाकर इस समय साथ में इस चुनौती का सामना करना है। विधानसभा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री निकल गए हैं। आप नियम वाले हैं, हम भी नियम मानने वाले हैं, लेकिन हम किसी को भूखा नहीं छोड़ सकते। अगर आप ही बाहर नहीं निकलिएगा तो कैसे होगा। पटना रिंग रोड का काम हुआ तेज। पटना रिंग रोड का काम तेज कर दिया गया है, जिसके तहत 6 लेन की बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना की मेट्रो सिटी बनाने में यह रिंग रोड अहम भूमिका निभाने वाला है और इसके काम में अब तेजी गति देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस रिंग रोड को बनाने में लगभग 5,000 करोड़ की 127 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में अब तक 70 किलोमीटर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम किया जा चुका है। बाकी जमीन अधिग्रहण का काम जारी है। पहले सड़क कन्हौली से रामनगर के बीच बनाई जाएगी, जिसका टेंडर जारी हो चुका है और जल्द ही अन्य सड़कों की निविदा भी जारी की जाएगी। कोविड 19 को लेकर प्रेमचंद्र मिश्रा ने सदन में स्वास्थ्य मंत्री पर उठाया सवाल। बीते दिन विधानसभा सत्र का आयोजन करवाया गया था, जहां पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सदन में सरकार पर एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि जब तैयारी का समय था, तब स्वास्थ्य मंत्री कोविड 19 के बदले संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे। आज जब पानी सर के ऊपर बह रहा है, तो मंत्री हॉस्पिटल घूमने का नाटक कर रहे हैं। यही काम पहले करते तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। कोविड 19 के मरीज की हालत काफी ज्यादा खराब है। हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुविधा और अन्य चिकित्सा नाक के बराबर है। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, बिना जांच हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पहुंचे मधुबनी। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बीते दिन मधुबनी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समाजवादी जनता दल द्वारा आने वाले 2 साल के अंदर बिहार में बाढ़ प्रभावितों के लिए 10 लाख मकान बनाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रत्येक परिवार को 2 बेडरूम का मकान उपलब्ध कराने जाने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार भले अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन देश की आर्थिक हालात बद से बदतर है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सरकार बाढ़ रोकने का सही कदम नहीं उठा रही है। रोकने के उपाय ना हो रहे हैं और वहीं सरकार इसे काली कमाई का जरिया बना चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को किया था सतर्क। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जैसे जैसे कड़ी खुलती जा रही है, वैसे वैसे कई बातों का खुलासा हो रहा है। रिया चक्रवर्ती से जुड़े अपने बेटे सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सतर्कता जारी की बातों के बाद अब इस बात की खबर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने 25 फरवरी को ही मुंबई के एक थाने में मामले को दर्ज करवाया था। पहली बार मीडिया के सामने आए सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने कहा है कि मैंने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस को साफ शब्दों में लिखा था कि मेरे बेटे की जिंदगी मुसीबत में है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। 14 जून को मेरे बेटे की जान चली गई, तो हमने 25 फरवरी को जिन लोगों का नाम हमने दिया था, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा। 40 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो पिछले दिनों मैंने पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी के विकल्प की बात से साफ किया इनकार। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बीते दिन एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने फैंस के सवाल का जवाब दिया है। इसी क्रम में उनसे एक फैन ने सवाल पूछा, जिसमें थोड़े दिनों पहले टीम इंडिया के सीनियर बल्लेबाज सुरेश रैना ने रोहित शर्मा की कप्तानी की तुलना महेंद्र सिंह धोनी से की थी, जिसके जवाब में रोहित शर्मा ने कहा कि हां, मैंने सुरेश के इस कमेंट के बारे में सुना है। MS धोनी एक अलग ही खिलाड़ी है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि इस तरह की तुलना नहीं होनी चाहिए।
व्हाट्सएप मैसेज को अब आसानी से हमेशा के लिए किया जा सकता है म्यूट। व्हाट्सएप मैसेज में कई सारे फीचर का बदलाव किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार व्हाट्सएप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर म्यूट ऑलवेज का विकल्प पेश करने वाली है। उसके बाद अब कुछ चैट को हमेशा के लिए म्यूट किया जा सकता है। इस फीचर का इस्तेमाल आप पर्सनल चैट के साथ ग्रुप चैट के लिए भी कर सकते हैं। म्यूट फीचर के अलावा व्हाट्सएप को लेकर यह भी खबर आ रही है कि वो जल्द ही एक्सपायरिंग मैसेजेस को भी ऐप में जोड़ने वाला है, जो कि 7 दिनों के निर्धारित समय के बाद मैसेज को अपने आप डिलीट कर देगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का जवाब हमें अच्छा लगा उनके नाम है धर्मेंद्र सिंह, राजीव राज, मनजीत बिहारी, अरविंद यादव, प्रेम रंजन, गीता कुमारी, सोहेल आलम, रोशन गुप्ता, सुमंत कुमार, सोनू उजाला चौधरी, नेहा कुमारी, महेश कुमार, ललन यादव, मुन्नी कुमारी, काजल कश्यप, नरेश कुमार, पप्पू कुमार, मोहम्मद जीशान, रंजू कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करने गए आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन में डालना कहां तक जायज है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए यूट्यूब चैनल नॉनस्टॉप खबरों को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।